हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे किचन रूपाली की रेसिपी में। तो आज मैं आप लोग के साथ मशरूम की एक बहुत ही सिंपल और जल्दी से बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशरूम को कुछ इस तरह से कट कर लिया है और यहाँ पे अब हम मशरूम को थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे मशरूम हमारे बॉईल हो रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे मशरूम को अलग निकाल लेंगे। और यहाँ पे अब मैंने दूसरी तरफ एक पैन रखा है, तो पैन हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। और तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हमने जो मशरूम बॉईल करके रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे। और इसे डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब आप थोड़ी देर के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे मशरूम हमारे थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ शिमला मिर्च और प्याज कट करके रखे थे, तो उसे भी हम यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद अब तो प्याज और शिमला मिर्च यहाँ पे हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैंने इसे अलग निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है और पैन हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। और तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जीरा। और जीरा डालने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज का पेस्ट। तो और प्याज को डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो प्याज को मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे प्याज को, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन को डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर डालने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डालें। और इसके बाद मैंने अब यहाँ पे डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। आप चाहो तो टमाटर को बारीक कट करके भी ले सकते हो। और सभी मसालों को डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे। और थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पे इसे बीच में एक बार फिर से चेक कर लिया है, तो मसाले अभी हमारे यहाँ पे थोड़ी देर तक और पकेंगे। तो अब थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे फ्राई किए हुए मशरूम। तो यहाँ पर मैंने जो मशरूम फ्राई करके रखा था उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। और इसे डालने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे फ्राई किए हुए प्याज और शिमला मिर्च। और सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों को मसाले के साथ। और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे इसे एक मिनट तक ढक कर के पका लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे ढक्कन को लगा दिया है। और थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन को फिर से हटा लिया है। और इसे हटाने के बाद हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। और पानी डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पे फिर से ढक्कन को हटा लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि मशरूम हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और काफ़ी अच्छा कलर भी आ चुका है इसमें। तो अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और गैस के फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे हरे धनिया की पत्ती। और धनिया पत्ती डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मशरूम की टेस्टी सब्जी और बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो हमेशा की तरह आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएँ।